नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कलयुग में किस देवता की आराधना करने से मिलती है तत्काल सिद्धि, यही आज का हमारा विषय है। प्रत्येक युग का अपना स्वभाव होता है, अपना नेचर होता है, उसी के हिसाब से देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, डंकिनी, संकिनी आदि की शक्तियाँ घटती और बढ़ती हैं। जैसे दिन में प्रातःकाल में दैविक शक्तियाँ प्रबल रहती हैं और रात्रि में तामसिक शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं, भूत प्रेत पिशाच शिवगण आदि की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। तो बड़ी गंभीरता से आज मैं आपको बताऊंगा, आप किसी भी प्रकार की समस्या में है, आर्थिक है, मानसिक है, शारीरिक है, परिवार में क्लेश है, ऑल ओवर कुछ भी है, आप कौन सी साधना से बहुत कम टाइम में उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए, फैक्ट्री, मकान, दुकान वगैरह में वास्तु दिखाने के लिए आप हमें अपने घर बुला सकते हैं और समस्त प्रकार की पूजा पाठ के लिए भी आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है कलयुग और हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत स्पष्ट है कि कलयुग तमोगुण की प्रधानता कलयुग के अंदर होती है। इसीलिए तमोगुणी देवता कलयुग में तत्काल सिद्धि देने वाले होते हैं। श्री भैरव जी महाराज इस घोर कलयुग के प्रकट देवता हैं, उनकी थोड़ी भी आराधना करने से साधक को तत्काल सिद्धि प्राप्त हो जाती है, करोड़ों प्रकार की समस्याओं से निकल जाता है। मैं बचपन से लेकर आज तक संतों में रहा हूँ और बड़े अनुभवी और तपस्वी संतों का मानना है, देवी का साधक कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। देवी के साधक के चेहरे की सुंदरता कभी कम नहीं होती, देवी के साधक के वाणी का तेज कभी कम नहीं होता, देवी के साधक के पास कभी पैसे की कमी नहीं लगती, देवी का साधक कभी मानसिक परेशान नहीं होता, देवी का साधक किसी के सामने सर नहीं झुकाता। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल करके रख देगा। साथियों, दुर्गा सप्तशती जो हमारे हिंदू धर्म का ग्रंथ है उसमें आया है दुर्गा जी 32 नामावली। जो व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल भैरव जी महाराज को प्रणाम करके, भैरव जी का स्मरण करके दुर्गा 32 नामावली का पाठ करता है, शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि अगर वन में हिंसक पशुओं ने घेर लिया हो और दुर्गा जी के 32 नामों को जपेंगे तो हिंसक पशु वापस चले जाते हैं। भारी संकट आने पर, धन की कमी होने पर, गंभीर बीमारियां आने पर, मानसिक तनाव होने पर, अपने प्रियजनों के दूर चले जाने पर, मानसिक क्लेश होने पर यदि आप दुर्गा जी के इन 32 नामों का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से कम टाइम में आपकी समस्या का समाधान होगा। दुर्गा 32 नामावली आप इंटरनेट पर भी खोज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। दुर्गा सप्तशती जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसके लास्ट में यह मिल जाएगी, या ये छोटी पुस्तक भी आपको मार्केट से मिल सकती है, ईजी है। मैं आपको बोल करके एक बार बता देता हूँ, ओम दुर्गा दुर्गार्ती शमनी दुर्गा पद्वी निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गे साधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गे निहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गे दैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमा सुरसंगत्री दुर्गमायुधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावलीमिमाम्यस्तु दुर्गाया मम मानव पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशय। जो व्यक्ति संकट के समय दुर्गा जी के इन 32 नामों का स्मरण करता है वह समस्त प्रकार के संकटों से छूट जाता है। साथियों, आपने मुझे लगभग 3 साल से फॉलो किया, सम्मान दिया, सब्सक्राइबर फॉलोवर्स बहुत हैं। मेरा आपसे अब विनम्र निवेदन यह है कि मेरा नया यूट्यूब चैनल हर्ष भारद्वाज धर्म ज्ञान, उसको भी आप सर्च करके
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वह मेरा नया चैनल है और मैं पूर्व काल की तरह ही आप लोगों की सेवा ज्योतिष के द्वारा, राशि रत्नों के द्वारा पूरी ईमानदारी से, मेहनत से करता रहूँगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुस्कुरा करके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।